subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप टीवी के इस कार्यक्रम एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है, जहां पे आचार्य पुरुषोत्तम वशिष्ठ हमारे को आने वाले भविष्य के बारे में बताते हैं, नए नए विषयों पे हम बात करते हैं। पिछली बार हमने बात करी थी कि किस तरीके से आप पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, इस बार भी हम इसी तरीके का एक टॉपिक लेकर के आए हैं कि किस तरीके से आप जो व्रत करते हैं उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो। हम 12 राशियों की भी बात करेंगे, साथ में कुछ सवाल हैं दर्शकों के, उनको भी इसमें शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो गुरु जी, आज का जो विषय है हमारा कि कैसे पाएं व्रत का पूरा फल, तो इसके बारे में आपका जो भी दिशा निर्देश है वो जानना चाहेंगे। व्रत के बारे में, जैसे हम बात करते हैं व्रत के बारे में, तो मैं काफी लोगों को जानता हूँ, उनके व्रत देखता हूँ कि वो कैसे करते हैं। जो जानकार है काफी लोग कहते गुरु जी हमने वो नॉर्मल दिन के बजाय व्रत वाले दिन में इतना मतलब तला हुआ कुटू की पकौड़ी, सिंगाड़े का आटा, इन सब से इतना खा लेते हैं, चिप्स वगैरह, मतलब इतने व्यंजन बना लेते हैं कि एक पार्टी हो जाती है। तो वो व्रत कम और पार्टी वाला दिन ज्यादा हो जाता है। फिर उसके लिए उनको गैस की गोलियां भी लेनी पड़ती हैं, हाजमे की दवाई भी लेनी पड़ती है, और कई बार डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो व्रत तो हमारा होता है, बाहर से आजकल तो नया हो गया कि व्रत है, बाहर से हल्दीराम बीकानेर से व्रत की थाली ऑर्डर करो। तो मैं इस विषय में कि जो हमारा जो व्रत है, व्रत जो भी करते हैं, व्रत का धारण करते हैं, पंडित जी बता देते हैं कि बेटा शादी नहीं हो रही, आप 16 सोमवार का व्रत करिए, गुरुवार का व्रत करिए, मंगलवार का व्रत करिए, इस काम इस व्रत से ये काम बनेंगे। तो जो व्रत है इसमें हमको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचार्य जो लोग कहते हैं गुरु जी हम ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन अगर करेंगे तो गृहस्थ जीवन में कैसे हो सकता है। ब्रह्मचार्य का पालन का मतलब है ब्रह्म की तरह आचरण करना। तो व्रत बहुत आसान भाषा में व्रत का विधान जो है मैं बताता हूं। व्रत में कोशिश करें कि आप पूर्ण रूप से ना खाएं, मतलब बिल्कुल हमारा पेट भर के नहीं खाना होता। व्रत में इतना खाएं कि वह भूख के जो भूख की जो सुधा है वह शांत हो जाए, जठार अग्नि शांत हो जाए, वो हमें तंग ना करे, इतना खाएं। और व्रत में कोशिश करें कर्म से, मन से, वाच से, यानी हमारे कानों से, मुंह से, आंखों से, मन से, कोई कर्म से कोई पाप ना हो। अब कैसे हो जाता है, जैसे व्रत में कोशिश की हम मंदिर में या अपने घर में ही, घर के मंदिर के पास ही ज्यादा समय बिताए। व्रत में हम बाहर चले जाते हैं या किसी है तो कोई ना कोई आंखों से पाप बन गया, कोई मुंह से हमने किसी की बुराई, कानों से सुन ली, चुगली से पाठ, यहाँ भी व्रत खंडित होता है। तो हम कोशिश करें कि हम जमीन पर ही आसन बिछाएं, जमीन पर ही सोने का प्रयास करें, और व्रत में हो सकता है तो अपना भोजन स्वयं बनाएं। ऐसा भोजन ना करें जिससे जीभ का स्वाद मिले, स्वाद मिलेगा तो ज्यादा भोजन अपने आप ही आदमी कर लेगा। और प्रभु चरणों में अपना प्रभु चरणों में वंदन करें कि हे प्रभु हमने आपके लिए व्रत किया है। दरअसल व्रत भगवान के लिए नहीं, व्रत होता खुद के लिए ही है। जैसे मोटर या कोई मशीन चलती है ना, उसको एक दिन का रिलैक्स ही होता है, ऐसे हमारे अंदर जो सिस्टम है इनको जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और ज्यादा एनर्जी ज्यादा आती है। तो व्रत से भगवान को तो फायदा खैर क्या होगा, लेकिन 100% हमको खुद को फायदा होगा। तो व्रत करें तो ज्यादा ना खाएं, कम खाएं, भगवान घी का दिया जलाएं, अपने घर में या मंदिर में ज्यादा समय व्यतीत करें। कोशिश करें बाहर से ना मंगवाएं व्रत का खाना, अपने घर में कोई कैसे बना रहा है, किन हाथों से बना रहा है, क्या भाव है, आप खुद ही बनाएं तो भाव आपके अच्छे होंगे। और कहते आया अन्न वैसा हुआ मन जी। तो वो ये कि व्रत
ब्रह्म की तरह आचरण करते हुए धारण करें, जिस प्रभु के लिए कर रहे हैं उनका ध्यान करें, उनका आशीष लें, व्रत का 100% फल देगा। अब बिल्कुल गुरु जी, खा लेते हैं ना, फिर उससे क्या होता है, आदमी परेशान होता है, ओहो मैं तो परेशान हो गया, मेरे गैस बन गई, तो इस वजह से क्या होता है, वह व्रत में उल्टा व्याधा आ जाती है। तो इस तरीके से व्रत करें, कम भोजन करें, तो भोजन व्रत का पूर्ण लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो दर्शकों बस यही आपको बताना चाहेंगे कि व्रत का मतलब है कि आपने आहार को त्यागा है उस एक दिन के लिए, अपनी शारीरिक मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए। तो ज्यादा सेवन करके, अति सेवन करके उस मशीनरी को एक्स्ट्रा वर्क ना दें, और घर में रह करके पूजा पाठ और अपने मंदिर में या श्री चरणों में रह करके ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, तो आपका व्रत फलीभूत होगा। तो आचार्य जी, ये तो बात रही कि व्रत का पूरा फल कैसे पाएं, अब बात कर लेते हैं आगे की, जो सप्ताह है ये 12 राशियों वालों का कैसे रहने वाला है। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी है हमारे पास में, वो भी जानेंगे। तो शुरुआत 3 राशि से कर लेते हैं, मेष, वृष, मिथुन। बिल्कुल बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक जी, इस सप्ताह कोई भी जैसे प्रॉपर्टी वगैरह होती है, ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से बचे, मतलब इस सप्ताह प्रॉपर्टी ना खरीदे जी। और मेष राशि वाले प्रति में के अंदर जैसे कहीं भी कोई पीपल का पेड़ हो, नारियल के उसमें बूरा घी डाल के और उधर जमीन के अंदर गाड़े, ताकि चींटियां उस गोले का सेवन करें, उनका यह सप्ताह काफी अच्छा जाएगा और उनके वाहन का या रोजगार का योग जल्दी बनेगा जी। तो गुरु जी, ये रही मेष राशि वालों की बात, वृष राशि वाले जातक इस सप्ताह को कैसे अच्छा बना सकते हैं? वृष राशि वाले इस सप्ताह को, मुझे दिख रहा है कि वृष राशि वालों का यह सप्ताह वाहन का लेने का या आने का, जरूरी नहीं कि वह खरीदे, लेकिन वाहन उपयोग जरूर करेंगे, जिसका चाहे वो ऑफिस से मिल जाए, चाहे वे मित्र से मिल जाए चलाने के लिए, तो उनका वाहन का बहुत अच्छा योग मिलता है। साथ ही इनके जो आपस में बिगड़े हुए रिश्ते हैं, अनबन है वृष राशि वालों के, वह भी योग धीरे धीरे ठीक होते मुझे नजर आ रहे हैं। उसके लिए ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप। तो चलिए गुरु जी, आगे बढ़ते हैं, हम मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं, किस तरीके से वो अपना भविष्य, आने वाला जो सप्ताह है उसे अच्छा बना सकते हैं। मिथुन राशि वालों का यह सप्ताह बहुत अच्छा है। इसमें मिथुन राशि वाले क्या करें कि एक तिल के तेल का दीपक जलाए, और तिल के तेल का दीपक जला के शंकर भगवान के समक्ष रखें, और बस जब वहां से मंदिर से निकले तो पीछे पलट के ना देखें, उनके स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा है वो स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होगा और उसमें जल्दी ही स्वास्थ्य उनको मिलेगा जी। गुरु जी, एक बात मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अभी कहते हैं होलाष्टक शुरू हुआ है, आज रविवार से होलाष्टक शुरू हुआ है, तो ये 8 दिन का रहता है, तो इसमें किस तरीके के कार्यों को वर्जित माना गया है? इसमें ज्यादातर शुभ कार्य जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी खरीदना, मकान का मुहूर्त करना, मकान का मुहूर्त करना, ऑफिस आदि इतना, इस तरह के जो कार्य हैं वह कार्य होलाष्टक में नहीं करने चाहिए जी। गृह प्रवेश नहीं होता, अब जैसे जो भी गृह प्रवेश है वह होली के बाद जो भी शुभ मुहूर्त मिलेंगे, मई में, अप्रैल एंड में जो भी शुभ मुहूर्त होंगे वो सारे होली के बाद ही होंगे, होलाष्टक से लेके होली तक कोई मुहूर्त नहीं। फिर उसके बाद पंचांग में देखा जाता है कि होली के बाद अब कौन सा दिन शुभ है, कौन सा मुहूर्त ठीक है,
अगर जातक की कुंडली है तो उसको कुंडली से देखा जाएगा कि इसके लिए यह मुहूर्त ठीक है, यह शुभ है। खुलासे से होली वाले दिन तक यानी पूर्णमासी के बाद ही मुहूर्त जो पंचांग शुरू हुआ वही उसको करने योग्य होगा। जी कोई भी शुभ कार्य ना चलिए, करे खुलासे। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपको ये विशेष ध्यान रखना है, इन आने वाले आगे के 8 दिनों में कोई इस तरीके का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों की बात करें तो सबसे पहले कर्क राशि के जातक किस तरीके से अपने सप्ताह को अच्छा बना सकते हैं? कर्क राशि वाले अपना यह सप्ताह बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। वह एक सफेद कपड़ा ले, सफेद कपड़ा कितना बड़ा हो, 1.25 मीटर भी हो सकता है, नहीं तो जितना बड़ा रुमाल होता है ना उतना बड़ा ले लें। जी उसमें थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री या चीनी, मिश्री अगर हो तो धागे वाली जो मिश्री शायद आपने देखी हो जिसमें धागा लगा रहता है, बिल्कुल वह बिल्कुल मिश्री ले, और बिल्कुल थोड़ा दूध यह जी लेके इसकी पोटली बना के, और जो भी उनके पास मंदिर है कुछ दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण ले, उनका यह सप्ताह वाहन से लेके, उनका यह सप्ताह रोजगार से लेके, उनका यह सप्ताह स्वास्थ्य से लेके काफी अच्छा जी जाएगा। जी तो कर्क राशि के जातकों की बात हुई, सिंह राशि के जातक किस तरीके से अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं आने वाले सप्ताह में? सिंह राशि वाले अपना यह सप्ताह, इनका जो सिंह राशि वालों का सप्ताह है यह सामान्य, तो सिंह राशि जी वाले यह सप्ताह अपना अच्छा बना सकते हैं। उनके लिए वह पास में जो भी हनुमान मंदिर है, हनुमान जी मंदिर में हनुमान जी के आगे एक लड्डू, उस लड्डू के साथ मीठा पान, एक सुपारी, एक जितना हनुमान जी की मूर्ति के आगे रखें। हनुमान जी जी के दोनों चरणों से सिंदूर लेके इस जी उंगली से अपने मस्तक पे लगाए, और ये सब काफी अच्छा जाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की, वो अपना आने वाला सप्ताह किस तरीके से मंगलकारी बना सकते हैं? कन्या राशि वाले विशेष ध्यान रखें कि उनको किसी प्रकार की, जैसे मैं देख रहा हूं कन्या राशि वालों को ज्यादातर शारीरिक हानि, चोट आदि का थोड़ा सा मुझे भय दिख रहा है, उसके लिए वह एक घी का दिया ले, और भगवान शंकर जो शिव जिस पे जल चढ़ाते हैं ना उनके आगे वह घी का दिया जलाए। अगर उनको स्वयं मंत्र आता है महामृत्युंजय, तो वह उसका जाप करें। अन्य अगर नहीं आता न था तो वह आज वॉइस टेप के द्वारा उस मंत्र को चलाएं, उसको सुने प्रातः या जी शाम को, उसका स्मरण करें, तो उनका ये हेल्थ के रिलेटेड ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। तो कन्या राशि वाले जातकों की बात हो गई, आगे की 6 राशियां और बची है जिसपे भी हम बात करेंगे गुरुजी। उससे पहले हमारे पास में एक सवाल है, ये है त्रिलोकनाथ श्रीवास्तव हैं, 1 जुलाई 1956 का इनका जन्म है, एक जुल एक एक सात 1 सात 1956 1956 जी मऊ यूपी उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है। बस समय इनका हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया है, स्वास्थ्य से जुड़ा इनका सवाल है। जी, दरअसल जो हम कुंडली देखते हैं ना जी इसमें डेट के साथ समय होना भी बहुत जरूरी है। जब जी भी वो जी डाटा है पूरा खुल के आता है, जैसे आप जी कोई भी लॉकर है या कोई फोन है जो आपने पासवर्ड लगा रखा है, जब तक उसका पासवर्ड नहीं डालेंगे जब जी तक जी नहीं खुलेगा, तो ऐसे ये एक तरह का पासवर्ड है। लेकिन आपने कहा स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए, तो जी अगर स्वास्थ्य के लिए इनका जो सवाल है, स्वास्थ्य के लिए इनको अपने यथारूप देख के, अपना बजट देख के महामृत्युंजय का जाप कराए, जी और योग्य ब्राह्मणों से कराए, जो अच्छे बिल्कुल ब्राह्मण, क्योंकि मैंने देखा जी है कि
जाप में आते मंत्र भी नहीं आता लोगों को, बिल्कुल, और करवा लेते हैं थोड़े से, देखते हैं कि अरे वो पंडित जी कम पैसे ले रहे हैं तो उनसे करा ले, लेकिन ये मंत्र पूर्ण रूप से आने चाहिए। अब हम क्या सोचते हैं कि हमने संकल्प दे दिया, हमने संकल्प दे दिया, अब ये जो भार होगा वह करने वाले के ऊपर, पंडित के ऊपर जाएगा। ठीक है, पंडित के ऊपर तो जाएगा, लेकिन काम आपका भी तो नहीं बना। बिल्कुल सही बात है, तो कोशिश करें अच्छी ब्राह्मणों से ये जाप कराएं और योग्य विधान से पूजा यज्ञ हवन इत्यादि कर जाप। बिल्कुल, तो इनका स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो सर उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। अगली बार अगर आप हमें हम तक पहुंचना चाहते हैं तो अपनी पूरी डिटेल आप भेजें तो हमारे को भी सहूलियत होगी आचार्य जी को दिशा निर्देश देने में। तो गुरु जी आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है। ये चेतना है जिनकी जन्म की तारीख है 18/1/1986, 18 जनवरी 18/1/1986, समय है 10:55 सुबह का और जन्म स्थान है जयपुर। 18/1/1986 जी, जन्म स्थान है जयपुर, 10:55 सुबह का, 10:55 जी। इनका सवाल इनके करियर और शादी से जुड़ा हुआ है। अभी शादी नहीं हुई है और करियर में किस तरीके से इनके ये और आगे बढ़ सकती हैं। अभी वैसे ये ठीक अच्छी जगह पे कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी इनका ये है शिफ्ट करने का इनका मानस है कि कुछ अलग जॉब शिफ्ट करी जाए। ये इनके जो विवाह का योग्य मैं देख रहा हूं जी, विवाह का योग्य इनका ये मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश विवाह के लिए, जैसे जानकार हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू या कैसे भी थोड़ी सी कोशिश ज्यादा करें तो विवाह इनका आने वाले 1.5 साल के अंदर हो जाना चाहिए जी। और ये थोड़ी सी मुझे मन से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सोचना ज्यादा सोचना, जैसे स्ट्रेस लेना हो जाता है ना मेंटली, तो मन से मुझे थोड़े से बीमार लग रहे हैं, तो उसके लिए ये सुबह सुबह ओम चैंटिंग करें, उससे इनको काफी लाभ मिलेगा और इनका नौकरी भी यह समय नौकरी के लिए अच्छा है, लेकिन कोई अच्छी नौकरी मिल जाए जब ही नौकरी छोड़े, क्योंकि अगर नौकरी इनका मैं देख रहा हूँ इनका चंद्रमा में और बुध का अंतर, यानी महादशा चंद्रमा की अंतर का बुध की, ये थोड़ी सी दशा ठीक नहीं है, तो व्यवसाय नौकरी जॉब वगैरह को लेके जब कोई अच्छी जॉब मिल जाए और उसमें श्योर हो जाए कि यहाँ फाइनल है तभी छोड़े, अदरवाइज ये 1.5-2 साल शांत रहे, वहीं करते रहे जी। चलिए, तो चेतना जी उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। आचार्य जी के दिशा निर्देश में आप ओम चेंटिंग करें और आने वाले समय को अच्छा बनाएं। गुरु जी आगे बढ़ते हैं, आगे की राशियों की हम बात कर लेते हैं जो कि है तुला वृश्चिक धनु। तो तुला राशि वाले जातक इस सप्ताह को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं? तुला राशि वालों का यह सप्ताह उनकी माता भूमि भवन से लेके, यानी जो पैतृक संपत्ति है उससे लेके काफी अच्छा दिख रहा है। जो पैतृक संपत्ति है उसमें अगर जैसे कुछ रुकावटें आ रही है तो उनकी रुकावटें दूर होने का योग है। बस वो रोजाना प्रातः सूर्य भगवान की मूर्ति जहां भी उनके आसपास हो उनको जी लाल फूल और कोई भी लाल कलर का फूल उनके आगे अर्पण करें, एक घी का दिया जलाएं, पैतृक संपत्ति है वह उन्हें मिलने के
शांत होंगे, कोर्ट में अगर केस चल रहा होगा तो वह भी उनके पक्ष में आए। तो ये तो बात रही तुला राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातक किस तरीके से अपना सप्ताह अच्छा बना सकते हैं? वृश्चिक राशि वाले अपना सप्ताह अच्छा बनाने के लिए यह सब इस सप्ताह में किसी से भी ज्यादा आर्गुमेंट ना करें। इनके जो उलझने के ज्यादा चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे जैसे की बातों में ज्यादा बहस हो जाती है इत्यादि, तो ज्यादा किसी बहस ना करें, ज्यादा ना बोलें। ये सप्ताह थोड़ा जितनी बोलने की आवश्यकता है उससे 25% ही बोलें, तो उनका यह सप्ताह काफी अच्छा जाएगा जी। तो अब बात करें धनु राशि के जातकों की, उनका ये सप्ताह किस तरीके से वो अच्छा बना सकते हैं? धनु राशि वालों का यह सप्ताह, मुझे उनका धन का जो योग है ना वो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रुका हुआ धन या रुकी हुई सैलरी या किसी पैसे उधार, उसकी थोड़ी सी कोशिश करें, उससे बात करें। थोड़ा सा बात करने से उनको जो रुका हुआ धन है पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत आधे से थोड़ा ज्यादा उनको मिलने के आसार है जी। तो धनु राशि के जातकों को धन मिलने के आसार हैं। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जातक, वो किस तरीके से सप्ताह को अच्छा बना सकते हैं? मकर राशि वाले शनि की मूर्ति पे तेल चढ़ाएं और जितने भी मकर राशि वालों पे कोर्ट केस और कचहरी आदि में कोई केस चल रहा होगा तो वह उनको उनके पक्ष में आएगा और बस वह ना शनि पे तिल और तेल चढ़ाए, तो उनके लिए कोर्ट कचहरी से यह सप्ताह काफी अच्छा जाए। तो गुरुजी अब आगे बढ़े, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष उपाय क्या रहने वाला है इस सप्ताह का? कुंभ राशि वाले इस सप्ताह हो सके तो अपने जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ना, ऐसे ब्लड डोनेट करें इस सप्ताह, उनके लिए काफी ही अच्छा जाएगा क्योंकि उनके लिए कुछ ना कुछ हानि का जी 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 ये सप्ताह बनता है, तो ये हानि के लिए उनके शरीर से ब्लड निकल गया वह भी हानि है, रक्त की हानि जी, तो जी, उनका ये कुछ खत्म हो जाए। तो कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, दर्शक हमें देख रहे हैं, आचार्य जी के बताए हुए निर्देश का जरूर पालन करें और आने वाली कोई भी अनहोनी से आप बचें। तो गुरु जी आगे बढ़ते हैं, अंतिम राशि जो है वो है मीन। तो मीन राशि के जातक किस तरीके की सावधानी बरते हैं और क्या विशेष उपाय उनके लिए? मीन राशि वालों के जो भी ऐसे जो जमीनी विवाद है वे जमीनी विवाद इस सप्ताह में काफी हद तक मतलब 90% तक उनके पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन वे क्या करते कि अपने जो गुरु हैं, गुरु नहीं हो तो माता पिता, उनके प्रतिदिन रात्रि में या प्रातः उनके 10-15 मिनट पांव दबाते जी, और पांव दबा के उनको कुछ भी उनकी पसंद का भोजन कराएं जी, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है वे कराएं, तो उनका ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। उनको बस ये छोटा सा उपाय करने के जी। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपकी कोई भी समस्या है, आप आचार्य जी से निर्देश चाहते हैं, आचार्य जी से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस पे आप मेल कर सकते हैं। आचार्य जी का नंबर इसमें है, उनसे आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, आप कॉल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। तो दोस्तों अगले सोमवार फिर होगी आपसे मुलाकात, जुड़े रहिए वार्तालाप टीवी के साथ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।